एक लड़की ने नागिन को बुलाया, साथ में नागिन का साथी भी आया, पुलिस महकमे का सिर चकराया। डीएमएसपी को आना पड़ा सामने, केस ऐसा उलझा कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी फेल, सच्चाई सुनकर उड़े होश। क्या लड़की के अंदर कोबरा वाला जहर था या प्रेमी को मारने के लिए वो किंग कोबरा साथ लेकर आई? नागिन लड़की थी या सच में उसे किंग कोबरा ने काटा था? ये कहानी समझने में उत्तराखंड पुलिस को कई दिन लग गए। ये खबर एकदम सच्ची है। आईपीएस अधिकारी के सामने शायद जीवन में ऐसा केस दोबारा ना आए, पर उत्तराखंड में अंकित चौहान के साथ जो हुआ वो एकदम हैरान कर देगा। अंकित एक लड़की से प्यार करता था, उसे पता नहीं था कि वो लड़की नहीं बल्कि विषकन्या है। अंकित की मौत हो चुकी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सांप के जहर से मौत की बात आई है, लेकिन वो जहर उस लड़की का था या सांप का, ये सच उत्तराखंड पुलिस ने खोज निकाला है। उत्तराखंड के हल्द्वानी पुलिस को एक कार में एक बिजनेसमैन की लाश मिली। कार का एसी चल रहा था, पिछली सीट पर लड़का था जो अब इस दुनिया में नहीं था। पुलिस को लगा कार्डियक अरेस्ट या एसी के गैस की वजह से अंकित की जान गई होगी। पुलिस कार्रवाई करती है और आगे बढ़ती है। परिवार को अंकित का पिछली सीट पर बैठना, एसी का चलते रहना और सांप का काटना शक पैदा करता है। पुलिस पर दबाव बनाया जाता है। पुलिस पोस्टमार्टम करवाती है और परिवार को दिखाती है कि ये तो जहरीले सांप ने काटा है, ये सामान्य मौत है, हम रिपोर्ट नहीं लिख सकते। फिर भी परिवार नहीं माना, सीनियर अधिकारियों से मिले और कहा एक बार जांच करवाइए। अब पुलिस हत्या का केस बनाकर जांच करती है। कॉल डिटेल्स में एक लड़की का नंबर मिलता है। मौत से पहले लंबे वक्त तक बात हो रही थी, फिर उस लड़की के नंबर में एक सपेरे का नंबर मिलता है। सपेरे के फोन से जंगल का पता चलता है और वहां से अंकित के साथ क्या हुआ उसकी सच्चाई खुलकर सामने आती है। अंकित के फोन में जिस लड़की का नंबर मिला उसका नाम माही था। माही और अंकित लंबे समय से एक दूसरे से प्यार करते थे। इधर अंकिता को पता भी नहीं था कि माही अब किसी और से प्यार करती है। यही होती है किंग कोबरा की एंट्री। अंकित की मौत की साजिश रची जाती है। माही उत्तराखंड के एक सपेरे से मिलती है, उसे अंकित को खत्म करने के लिए कहती है पर वो नहीं मानता। तब माही सपेरे के साथ रिश्ता बनाने की बात करती है। सपेरे का मन डोल गया। अंकिता के साथ सपेरा जंगल में जाता है, अपनी कला से किंग कोबरा पकड़ कर लाता है। माही अंकित को 14 जुलाई को मिलने के लिए बुलाती है। अंकित माही के घर आता है, मुलाकात होती है और अंकित के शराब में नींद की गोली मिलाकर पिलाती है। जैसे ही अंकित बेहोश होता है तभी सपेरे की एंट्री होती है। होश में आकर अंकित विरोध न करने लगे। सांप से डसवाने से पहले एक ने उसके हाथ, दो ने उसके पैर पकड़े और चौथा अंकित की पीठ पर बैठ गया। उसके बाद सपेरे रमेश ने कोबरा से अंकित के एक पैर पर डसवाया। 10 मिनट इंतजार किया, अंकित के शरीर में हलचल होती रही। इसके बाद दोबारा से दूसरे पैर पर डसवाया। माही सपेरे के साथ मिलकर अंकित को कार तक लाती है, उसके पीछे वाली सीट पर बैठाती है और चली जाती है। उससे लगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो सांप का जहर आएगा, पर उसने एक ऐसी गलती कर दी जिससे पुलिस उस तक पहुंच गई। अंकित हमेशा ड्राइविंग सीट या फिर आगे बैठता था। जिस वक्त अंकित मिला उस वक्त वो पिछली सीट पर क्यों बैठा था? अंकित वहां किससे मिलने आया था? घर वालों से झूठ बोलकर क्यों आया था? पुलिस ने माही को गिरफ्तार किया तो उसने बताई पूरी सच्चाई। लड़की का एक नया प्रेमी बन चुका था जिसका नाम है दीप कांडपाल। दीप कांडपाल भी अमीर है, इसलिए उस खेल में उसकी नौकरानी, नौकरानी का पति भी शामिल था। अंकित को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि माही दीप के साथ शादी करना चाहती थी, पर अंकित चौहान प्रेम की दीवानगी में भूल गया, वो एक लड़की से नहीं बल्कि नागिन से प्यार करता है। पुलिस पूछताछ के लिए माही के मोहल्ले में पहुंची तो वहां एक और हैरान कर देने वाली सच्चाई थी, जिसको सुनने के बाद शायद उसका नया प्रेमी दीप भी उसे छोड़कर चला जाए। लोगों का दावा है कि माही के कई अवैध रिश्ते थे। लोग घर पर आते पर क्यों आते ये किसी को पता नहीं था। वो परिवार से अलग रहती। इस केस ने सबको हैरानी में डाल दिया, पर उत्तराखंड पुलिस की जितनी सराहना की जाए वो कम है, क्योंकि अगर सांप कोई दोषी माना जाता तो असली दोषी जो लड़की के शक्ल में नागिन थी बच जाती और अंकित को कभी न्याय नहीं मिल पाता। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।